हाय फ्रेंड्स, हिमांशु हियर। और आज के इस वीडियो में हम भारती एयरटेल का वापस एनालिसिस करेंगे। हमने लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, उसके पहले भी एक दो वीडियोस हैं, तो वो सब आप जाके देखोगे तो ही क्या है कि यू विल बी एबल टू कनेक्ट यहाँ पर। और जो जितने भी वीडियोस मैंने पहले पोस्ट किए थे उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दूंगा, जिससे क्या है कि यू कैन ईजिली रिलेट थिंग्स। तो बिफोर वी एनालाइज, हम सबसे पहले ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस का व्यू लेंगे यहाँ पर। और हम देखें ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, तो सो फार जो भारती में हमने लास्ट टाइम जितना एनालिसिस किया था एग्जैक्टली उस हिसाब से ही उसने बिहेव किया है। वी हैव बीन एनालाइजिंग सिंस वेव फोर, जब से स्टार्ट हुआ है कहाँ ख़त्म हो सकता है। और अब यहाँ पर पहले ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस का व्यू देखें तो आप देखो एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल उसने फॉर्म किया है ड्यूरिंग लास्ट सेशन। RSI has not crossed 60, that is a bit concern, but अब देखते हैं कैसे फॉलो अप मूव आता है। और 50 EMA को टच करके एग्जैक्ट मतलब वहाँ के आसपास आके उसने बाउंस बैक किया है, और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर तो है ही। और इट इज़ लगता है कि ATR जैसे यहाँ पर आप देखो कि इट हैज़ हिट द लोएस्ट लेवल, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अ ट्रेंडी मूव फ्रॉम हियर। तो अब हम देखते हैं उसको एलियट वेव के पर्सपेक्टिव से। तो एलियट वेव में ये बिगर पिक्चर है डेली का, इसमें हमने ऐसे लेबल करके एनालाइज किया था कि दिस इज़ वेव 2, दिस इज़ 3, 4 एंड 5। तो 4 वेव कहाँ टर्मिनेट होगा उस पर हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कशन किया था, एंड वी हैड अराइव्ड एट अ लेवल अराउंड 535-537 का जो लेवल था वो। इन वर्स्ट केस हमने देखा था कि 527 या 526 के आसपास वर्स्ट केस में आ सकता है, और मैंने लॉजिकल स्टॉप लॉस भी दिया था कि ये स्टॉप लॉस आपका 1 का हो सकता है, या तो कंजर्वेटिव आप 515 रुपये का स्टॉप लॉस ले सकते हो। और अब जो रिवर्सल आया है दैट इज़ एग्जैक्ट फ्रॉम 0.382 और 537 का जो लेवल हमने डिसाइड किया। तो दिस इज़ द पावर ऑफ एलियट व्यू फ्रेंड्स, आपको चीज़ें पता चलती है कि ये काउंटर ट्रेंड मूव है। आप देखो यहाँ पर मैंने लेबल नहीं किया, बट आप यहाँ देखें तो ABC ऐसा करेक्टिव पैटर्न हमें क्लियरली दिख ही रहा है यहाँ पर। आप देखें यहाँ पर तो वी कैन लेबल दिस पैटर्न एज एन ABC। और हमने पूरा स्ट्रक्चर डिटेल में एनालिसिस तो कर लिया है पहले, अब हम क्या है कि वापस इसको थोड़ा वेव सी का स्ट्रक्चर समझेंगे लोअर टाइम फ्रेम में जाके, और अब क्या लग रहा है उस पर थोड़ा डिटेल करते हैं। तो हियर दिस इज़ अ 60 मिनट चार्ट ऑफ भारती एयरटेल। तो अब क्या है कि चीज़ें आप पहले ये समझो कि मैंने जो लेबलिंग किया है दिस इज़ ये डेली का वेव 1 है, ये डेली का 2 है, दिस इज 3, 4 एंड 5, ये डेली का लेबलिंग है। अब जो है इंटरनल वेव काउंट से कि जो 3 बना है तो 3 इज़ इम्पल्सिव, तो उसमें हमें 5 वेव क्लियर दिख रहे हैं, राइट। और यहाँ पर ए इज़ इम्पल्सिव, तो ए इम्पल्सिव है तो क्या हुआ इसमें, दिस इज़ अ zigzag करेक्शन। ए इम्पल्स कब होता है, इट इज़ ओनली अ zigzag करेक्शन। और अब ये कहाँ टर्मिनेट हुआ है, तो नॉर्मली रिलेशनशिप होता है दैट इज़ 100% एक्सटेंशन होता है, और स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो तो थोड़ा कम भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर देखें कि जो सी वेव है दैट इज़ टर्मिनेटेड अराउंड, ये जो सी वेव है दैट इज़ टर्मिनेटेड अराउंड 0.786 के आसपास का जो लेवल है वो लेवल के आसपास। और सी में भी हमें देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऐसे क्लियर वेव दिख रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि दिस वी आर इन अ वेव 5th, जो डेली का 5th वेव है उसमें है। सिंस 5th इज एन इम्पल्सिव, तो उसमें भी क्या होगा कि 1, 2, 3, 4, 5 करके 5 वेव्स बनेंगे फ्रेंड्स। तो अब जैसे हमने 537 का जो लेवल था उस पर मैं थोड़ा हाईलाइट करूँगा कि प्रीवियस 4th वेव की टेरिटरी में वो कंप्लीट होने की पूरी संभावना होती है। तो देखो एग्जैक्टली दिस इज द गाइडलाइन, और आप देखो यहाँ पर ही टर्मिनेट हुआ है जो प्रीवियस 4th वेव की टेरिटरी है। जो 3rd वेव था वो 3rd वेव में जो 4th वेव बना था उसकी जो टेरिटरी है उसमें, दैट इज़ हाउ इट इज़ पावरफुल। अब हम यहाँ पर देखें तो ऐसा लग रहा है कि वी आर इन ए वेव 5th, और अब इसको मैंने लेबलिंग नहीं किया है बिकॉज थिंग्स आर इवॉल्विंग, बट ब्रॉडली क्या लग रहा है हमें कि ये जो 5th वेव के लिए अब जा रहा है
उसमें भी दिस इज वेव वन, यहाँ पर हम देखें तो क्लियरली आपको पता चलेगा कि फोर यहाँ से टर्मिनेट हो गया है, तो ये वेव वन बना है, दिस इज वेव टू एंड नाउ इट इज़ गोइंग फॉर अ थर्ड। तो वेव टू में जो उसने दिया है दैट लुक्स लाइक ए सिमेट्रिकल ट्राइंगल। मैंने अपने प्रीमियम एनालिसिस में भी सबको अपडेट किया था कि दिस इज अ सिमेट्रिकल ट्राइंगल ब्रेकआउट, तो 573 के आसपास ही अपडेट दिया था और इसमें एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव आया है, इट हैज टच 583, 10 रुपये का मूव तो इंट्राडे में ही आ गया था। अब इसको मैंने प्रॉपर लेबलिंग नहीं किया है, वी कैन डू दैट बट अभी मैं नहीं करूँगा, हम खाली स्ट्रक्चर समझने का यहाँ पर ट्राई करते हैं और अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है और कौन से टारगेट वी कैन एक्सपेक्ट दैट वी आर गोइंग टू एनालाइज। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना हो जाए, और वीडियो की कंटेंट पसंद आए तो आप उसे लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो अब हम देखें यहाँ पर कि दिस इज़ द लेवल दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये लेवल है अराउंड 588 के आसपास, आई थिंक यस 588 का जो लेवल है आप यहाँ देखोगे तो पता चलेगा। इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ तो क्या है कि चीज़ें आपको थोड़ी समझ में आए क्लियरली फ्रेंड्स, ओके, और इसको थोड़ा जूम करके एनालाइज करते हैं तो आपको क्लियरली दिखे लेवल्स यहाँ पर 588 का आप यहाँ देख पाओगे, ये हाई है राइट, और यहाँ पर जो सी वेव बी था उसका जो सी वेव का टॉप है दैट इज अराउंड 593.70, तो 594 588 ये दो लेवल्स है, दिस आर द माइनर हर्डल्स अब ऐसा बोल सकते हैं लुकिंग एट द स्ट्रक्चर, और वो लेवल क्रॉस किया तो भारतीय एयरटेल में लग रहा है कि इट मे गो फॉर अ लाइफ टाइम हाई, और यहाँ पर हम फिफ्थ वेव का टारगेट डिसाइड कर सकते हैं हाई टाइम फ्रेम में, जिससे क्या है कि क्लियरली हमें पता चले कि व्हाट लेवल वी कैन एक्सपेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील एनालाइज वेदर वेव थ्री इज एक्सटेंडेड और नॉट, वो हम देखेंगे। ये खाली फिबोना के नंबर्स हम यहाँ से हटा देते हैं एंड वी विल सी वेदर वेव थ्री इज एक्सटेंडेड और नॉट। हमने ये पहले एक्सरसाइज की हुई है और एक्सटेंडेड नहीं था आई थिंक, तो यहाँ पर देखेंगे तो पता चलेगा। यस देखो यहाँ पर वेव थ्री क्या है कि 1.618 से नीचे है, तो फिफ्थ वेव में हम हायर टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिफ्थ वेव में व्हाट आर द लॉजिकल लेवल्स दैट वी कैन एक्सपेक्ट नाउ, तो यहाँ पर हम मेजरमेंट लेंगे तो हमें पता चलेगा कि व्हाट आर द लेवल्स इन वेव फाइव दैट कैन बी एक्सपेक्टेड। तो हमारा मिनिमम टारगेट जो आता है फ्रेंड्स दैट इज अराउंड 630, एक रीजनेबल टारगेट हम ले तो भी 650 690 मतलब, तो ब्रॉडली वी कैन से कि 650 रुपये के आसपास का एक अच्छा टारगेट यहाँ से बन रहा है, और लुकिंग एट द स्ट्रक्चर ऐसा लग रहा है कि भारतीय में एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है, बिकॉज आप देखो यहाँ पर ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से भी अच्छा मूव दिया है और इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग ए फ्रेश ब्रेकआउट। तो ये जो दो माइनर हर्डल है जो हमने डिस्कस किए, अगर उसको क्रॉस करने में ये मतलब सक्सेसफुल रहता है तो वी कैन हैव एन एक्सेलरेटेड मोमेंटम, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो से आपको कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा, थैंक यू फ्रेंड्स।